जेपी सीमेंटेड चौखट दुकान, सभी तरह के खूबसूरत डिजाइनदार सीमेंट छत से ढलाई किया हुआ मजबूत एवं टिकाऊ चौखट मात्र 1000 रुपए में बनाया जाता है। तो आज ही ऑर्डर करें। हमारा पता है नामधारी कॉलेज गेट के बगल में गढ़वा। संपर्क नंबर 6200418799। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई में अवैध बालू उठाव का खबर छपने के बाद पीपर हवा। बालूघाट का खनन विभाग की एक टीम ने जांच की। इस दौरान जिला खनन पदाधिकारी योगेंद्र बड़ाई, खान निरीक्षक सुनील कुमार, अंचल अधिकारी सोमा राव, मुख्यपति दिनेश राम तथा पुलिस अवर निरीक्षक दयानंद कुमार यादव ने पीपर हवा बालूघाट स्थलों का जांच किया। इस दौरान अधिकारियों ने बालू के अवैध उठाव कर उच्च दर पर बेचने वाले व्यक्तियों के नाम जानने के लिए कई ग्रामीणों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान बालूघाट पर पहले से मौजूद ग्राम बैला झगड़ा, पीपरहवा, टोला निवासी देवनाथ उराव, बिंदेश्वर चौधरी, राम प्रवेश उराव, कैलाश उराव ने बताया कि पीपरहवा बालूघाट के इर्द गिर्द स्थलों से प्रखंड के कई गाँव में रात्रि में और अहले सुबह में बालू की अवैध ढुलाई होती है और महंगे दामों पर बेचा जाता है। उक्त ग्रामीणों ने बताया कि गरीब तबके के लोगों द्वारा ट्रैक्टर से बालू ढुवाई करने पर पुलिस पकड़ लेती है। इस दौरान उक्त ग्रामीणों ने पदाधिकारियों से बताया कि ग्राम डंडई निवासी रामाशीष गुप्ता, दीनानाथ प्रसाद, श्रवण साहब, भगवान दास प्रसाद, मुन्ना साहब के द्वारा रात में और अहले सुबह बालू के धड़ल्ले से ढुवाई की जाती है। वही देवनाथ राव ने बताया कि बालू ढोने वाले लोगों की वजह से हम लोगों को रात में नींद भी खराब हो जाती है। उसने बताया कि हम एक प्रधानमंत्री आवास के लाभुक भी हैं। उसने बताया कि हम नदी के किनारे के ही निवासी हैं, फिर भी लेबरों को मजदूरी छोड़कर 500 रुपए प्रति ट्रिप बालू रात के समय दीनानाथ प्रसाद और भगवान दास से खुद ही गिरवाए हैं। जांच के क्रम में अधिकारियों ने पाया कि राजेंद्र चौधरी ग्राम जरदे, शशि कुमार और सुरजीत कुमार ग्राम डंडई के द्वारा अवैध बालू की आपूर्ति लेकर प्रधानमंत्री आवास निर्माण का कार्य किया जा रहा है। मौके पर जिला खनन पदाधिकारी योगेंद्र बड़ाइक ने बताया कि ग्रामीणों और प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों द्वारा बालू की अवैध उत्खनन कर अवैध रूप से उठाव करने की पुष्टि होने पर डंडई के 5 ट्रैक्टर मालिकों एवं एक अन्य पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। उन्होंने बताया कि ग्राम डंडई निवासी राम आशीष प्रसाद, दीनानाथ प्रसाद, भगवान दास प्रसाद, श्रवण प्रसाद, मुन्ना साहा सहित नदी के किनारे अवैध रूप से मिट्टी के उत्खनन करने वाले ग्राम कर के निवासी रामाधार चौधरी पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि फिर अवैध उठाव की शिकायत मिलने पर बालूघाट की फिर जांच की जाएगी और जांच में बालू उठाव पुष्टि होने पर फिर कार्रवाई की जाएगी। रामाशीष, पूरा नाम बताइए। रामाशीष गुप्ता। रामाशीष गुप्ता। और दीनानाथ गुरु जी। दीनानाथ गुरु जी। हाँ, अच्छा। और सारों साहब की गाड़ी दीनानाथ गुरु जी की गुप्ता गुप्ते है। हाँ। तीसरा ठीक है, सरवण साहब के। सरवण साहब। हाँ। भगवान दास और बस देवनाथ। क्या नाम है आपका? देवनाथ हुराव। कहाँ घर है? पिपराहा टोला बल्लेखड़ा पर कर्तव्य में रात मुह। अच्छा, पिताजी नाम क्या है आपका? पलाद उराव। प्रधानमंत्री आवास इनको मिला हुआ है 2020 में। क्यों क्यों डरे डरे रात में गिराया? क्यों डरे? क्या करेंगे, क्या बोलता है? आपका बन रहा है? नहीं बन रहा है। बन रहा है, विकास चालू है। काम काम चालू है। बालू कहाँ से गिरवाया? यहाँ से गिरवाए हैं। अच्छा, आप ही गिरवाए हैं? मतलब रातें में गिराया? रातें में गिराया। दिन में क्यों नहीं गिराया? डरे नहीं गिराया, पुलिस पकड़ लेगा। अच्छा, कितना में गिराया? यहाँ तो लेबर 500 रुपए दिए हैं। लेबर कितना लेता है? खाली गाड़ी भर के 500 रुपए। कौन गिराया है बालू आपका? गोलू गिराया है, दो गाड़ी, तीन गाड़ी गोलू गिराया है। दीनाथ गुरु जी। कौन गोलू? कौन गोलू? रामशीष के। अच्छा, उनका लड़का है। किनका लड़का? रामशीष के। कब गिरवाए थे आप? 10-15 दिन होंगे गिराने। 10-15 दिन। तो कहने का मतलब आप जब बालू गिरा रहे हैं तो बाकी लोग क्या करेगा? आप गिराए ना यहाँ से? गिराए? हाँ। बाकी लोग भी गिराएगा कि नहीं गिराएगा? अब गिराएगा तब ना जानेगा, हम तो डर मर गिरा दिए। अच्छा है, नहीं बनाएगा तो फिर नोटिस आएगा, केस हो जाएगा हमको पर। अच्छा। हम कैसे करेंगे? तो उसी तरह सबे का ना डर है? डर है। आपका जब गिरेगा तो आपका नींद खराब नहीं होता दूसरा का,
और दूसरा गिरेगा तो आपका नींद कैसे खराब होता है? अरे भैया मेरे तो यहाँ से बालू जाएगा, दूसरा से तो दिक्कत नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा, ये बात कहाँ बालू जाता है? अरे बहुत जगह जाता है। कहाँ कहाँ जाता है? रारो पचोर चल जाता है यहाँ से बालू, रारो पचोर चल जाता है यहाँ से, लवाई चल जाएगा, डंडे प्रखंड में गिरेगा तो ठीक है, डंडे के लिए नहीं है बालू बचा है, कैसे हरदक में भी जाता है यहाँ से बालू? वो जाता है हरदक में जाता है, हर प्रखंड पड़ता है, तीन महीने तो नहीं जाएगा। आरपी नर्सिंग स्कूल मेन रोड टंडा गढ़वा झारखंड, एएनएम जीएनएम डी फार्मा में नामांकन प्रारंभ है, जल्द करें, सीट सीमित है। संपर्क मोबाइल नंबर है 6207580137। ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना थकेंगे, गरीबों का एक ही मसीहा, विश्रामपुर नगर परिषद के अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। हरि ओम साड़ी सेंटर, स्टेशन रोड रेहला पलामू, विश्रामपुर नगर परिषद का सबसे मशहूर भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। यहाँ साड़ी, जीन्स, टी शर्ट, लेडीज सूट, लहंगा, शेरवानी, कोट पैंट आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673। लुभी है जहां, पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।